मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4B का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का पार्ट 3 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने पहले की वीडियो में डाल दिए, आप वहाँ जाकर देख लेना। और बच्चों, इसी चैनल पर मैं आउट एंड सीक्यू के नाम से टेंथ भी सिखाती हूँ, तो आप उसको भी देख लेना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन हमारे पास, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करना है आपको और मूल ज्ञात करना है ना। तो आपने मूल ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है पूर्ण वर्ग से। तो पूर्ण वर्ग के लिए आपको, और क्वेश्चन है आपके पास 5x² + 6x - 8 = 0। तो सबसे पहले आपको ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसको अकेला करना होता है। इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं होता तब तो कोई बात नहीं थी, इसके साथ 5 है ना, सबसे पहले इसको अकेला करो। और अकेले करने के लिए पूरे समीकरण में आपको जो इसके साथ नंबर है उसी से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो, पहले क्वेश्चन उतार देना आप, फिर लिख दो। देखो, पूरे समीकरण में 5 से भाग देने पर, है ना, 5 से भाग देने पर, जब हमने पूरे समीकरण में 5 से भाग दिया तो ये हो गया 5x² और अपॉन में 5, यहाँ पर देखो प्लस 6x, यहाँ पर भी नीचे 5 हो गया, यहाँ -8, यहाँ पर भी नीचे 5 हो गया, = 0। ये 5 से ये 5 कट गया, लेकिन ये सारे नंबर बचे रह गए, इसको लिख दो। देखो, x² = x स्क्वायर अकेला हो गया ना, 6x/5। ये जो नंबर है इसको इक्वल के दूसरी साइड कर दो, क्योंकि हमें इसको दो भाग में बांटना है। तो इसको इक्वल के दूसरी साइड कर दिया तो ये हो गया आपके पास प्लस का 8/5, है ना। अब जो आपके पास एक्स का गुणांक है, इस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक इसमें कितना है, 6/5 ना, इस 6/5 में 1/2 से गुणा करना है। देखो कैसे, ये रफ वर्क में समझ लेना आप यहाँ पर, कि देखो 6/5 दिया हुआ है, इसमें 1/2 से आप गुणा करो तो आगे आपके पास 6 × 1 = 6 और 5 × 2 = 10। अब इन दोनों का वर्ग कर दो, इन दोनों का हमने वर्ग कर दिया तो कितना हो गया, वर्ग करने के बाद हो गया हमारे पास 6 का वर्ग हो गया 36 और इसका वर्ग हो गया 100। ये जो 36 और 100 आया है इसी को दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हमें जोड़ देना है ना, जो ये इसका वर्ग आया है। और देखो, ये जो 36/100 आया है इसको हमें क्या करना है, इधर इधर दोनों जोड़ना है। तो यहाँ लिख दो कि एक्स के गुणांक में 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, है ना। तो देखो, x² + 6x/5, इसमें हम कितना जोड़ देंगे, यही आपका नंबर जोड़ दो आप, 36/100, हमने ये नंबर जोड़ दिया, इधर भी यही नंबर जोड़ दो, 8/5 + 36/100, इधर भी जोड़ दिया। अब ये देखो, ये एक सर्वसमिका बन गई, a² + b² + 2ab की। इस सर्वसमिका में निकालने में आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करो, पहले वाला इसका x लिख दो, यहाँ x लिख दिया, यहाँ से साइन ले लो, प्लस का साइन हो तो प्लस का, माइनस का साइन हो तो माइनस का, हमने यहाँ से साइन ले लिया। अब इसमें से देखो, 36 किसका स्क्वायर था, अभी हमने निकाला था, ये देखो यहाँ पर था ना 6/10, बस यही 36 का यानी 6, तो यहाँ लिख दो 6 और 100 का स्क्वायर 10, है ना, और यहाँ स्क्वायर यहाँ लगा दो, बस कुछ नहीं। देखो, यहाँ से x ले लो, है ना, साइन यहाँ से ले लो, और यहाँ ये जो आपके पास 36 था इसका 6 और नीचे 10 का स्क्वायर, भाई 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 10 लिख दो। इधर इसको हल कर लेते हैं, देखो 5 और इसका 100 का, जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 100 हो जाएगा दोनों, है ना, निकाल के आप देख लेना, ऐसे निकाल लेना। देखो, 5 और 100 दोनों का एलसीएम एक साथ निकाल लेना, पहले 2 से काट देना तो यहाँ देखो 50 हो जाएगा, फिर 2 से फिर काट देना 25 हो जाएगा, फिर 5 से काट देना 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 0, और ये देखो, है ना, तो 5 × 5 = 25, 5 × 25 = 25, 5 × 5 =, देखो ये मतलब ये पूरा आपका एलसीएम, देखो कुछ यहाँ गलत हो गया, फिर से देख लो। देखो, पहले हमने 2 से काटा 2 × 50 = 50, फिर 2 से काटा तो 25 आ गया, फिर हमने 5 से काटा 5 × 1 =, और यहाँ हमने 5 से काटा, है ना, देखो 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50 और 50 × 2 = 100, है ना। देखो, तो यहाँ हमारे पास एलसीएम 100 हो गया। अब इसको भी आपको 100 बनाना है, 50 को आप कितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 आ जाए, इसके लिए आप क्या करो,
ये देखो ये रफ वर्क है बच्चों, है ना। 50 को यहाँ पर ये आपका 5 है, 100 से डिवाइड कर दो ऐसे। जब हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो देखो 5 टू ज़ा 10, एक ज़ीरो बचा, यहाँ उतार लो, यानी 20 टाइम में जाएगा। तो जब ये 20 20 बार में जाएगा तो ये भी 20 बार में जाएगा। तो देखो 10 8 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 160। ये वाला वैसे का वैसे ही लिख दो। अब इसको जोड़ लो, यहाँ ये नंबर फिर से लिख दो। देखो x प्लस 6 और 10, अब इसका स्क्वायर देखो, जो इसका हम जोड़ लेंगे उसी में इसका स्क्वायर लगा देंगे। ये आपका जुड़ गया तो ये हो गया 196 और अपॉन में 100। अब यहाँ से जो ये वर्ग था ये हम यहाँ अंडर रूट में लगा देंगे इसको, ये वाला स्क्वायर खत्म हो गया। तो आपका यहाँ पर अब ये 196 किसके, ये 14 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट इसका एलसीएम आप निकाल के देख लेना या वर्गमूल निकाल के देख लेना। तो ये 14 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख दो x प्लस 6 अपॉन में 10, और जो अंडर रूट के नंबर होते हैं प्लस माइनस दोनों में लिए जाते हैं। तो प्लस माइनस यहाँ पर हो गया 14 और नीचे 100 10 का, है ना। अब सबसे पहले धन चिन्ह ले लो। देखो इसमें से एक बार धन चिन्ह रखेंगे, एक बार ऋण चिन्ह। तो यहाँ लिख दो धन चिन्ह लेने पर, है ना। जब हमने धन चिन्ह लिया तो ये वाला नंबर लिख दो। देखो एक्स एक्स, फिर यहाँ देखो इक्वल, ये वाला नंबर इधर भेज देते हैं माइनस के। देखो प्लस है ना, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। पहले यहाँ लिख दो प्लस, धन का चिन्ह लिया ना, 14 अपॉन 10, और ये इधर आ गया तो माइनस का 6 अपॉन 10। देखो ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हो गया। तो एक्स इक्वल्स टू, दोनों के एलसीएम सेम है तो एलसीएम लेना नहीं है। तो आपके पास 14 में से 6 माइनस हुआ तो बचा आपके पास 8, है ना। देखो 6, तो यहाँ हमने लिख दिया 6 और साइन 8, और साइन किसका, बड़े वाले का। 14 में से 6 माइनस हुआ बचा 8। अब इसको कट कर दो। देखो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब ये नंबर किसी से नहीं कटेगा ना, यानी एक्स इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। एक मान आपके पास धन चिन्ह लेने पर तो ये निकल आया। अब इस बार ऋण चिन्ह ले लेते हैं ना। यहाँ लिख दो कि ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह ले, देखो ये हमने धन चिन्ह लिया था, यहाँ ऋण चिन्ह लेने पर नंबर वही। देखो x इक्वल्स टू, इस बार यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस का 14 अपॉन 10, और इधर वही 6 अपॉन 10। दोनों का एलसीएम हो गया यहाँ पर, देखो एलसीएम सेम है, एलसीएम 10 हो गया, और माइनस और माइनस 16, और ये 14 और 6 मिलाकर 20 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कट कर दो। 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20, साइन माइनस का, तो दूसरा x का मान आ गया आपके पास x इक्वल्स टू माइनस का 2। एक x का मान आया मूल इसका 4 अपॉन 5, और दूसरा x का मान आया माइनस 2। बच्चों अगर अच्छा लगे, कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। घर में जितने भी फ़ोन होंगे सारे फ़ोन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे मैं नगीन प्रकाशन की, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे ही जैसे मैं वीडियो डालूँ तो तुरंत आपके फ़ोन में उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बच्चों।